नमस्ते, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं द सिनेमा शो, जिसमें हम बात करते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की। आइए आज की खबरों पर बातचीत शुरू करें। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सिनेमा से। वेस एंडरसन की अगली फिल्म आ रही है। अभी इस फिल्म का नाम नहीं रखा गया है, मगर अपनी स्टारकास्ट को लेकर इस फिल्म ने चर्चा का विषय बनना शुरू कर दिया है। वेस एंडरसन की इस आगामी फिल्म में टॉम हैंक्स और साथ ही मार्गोट रॉबी मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले हैं। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में एड्रियन ब्रॉडी, साथ ही रूपर्ट फ्रेंड, टिल्डा स्विंटन और बिल मरे जैसे एक्टर्स भी शामिल होंगे। अब इस लिस्ट में स्कारलेट जॉनसन का भी नाम जुड़ गया है। स्कारलेट पिछले दिनों अपनी सुपर हीरो फिल्म ब्लैक विडो की रिलीज को लेकर काफी विवादों में भी थी। कॉमेडियन वीर दास अपने यूट्यूब चैनल पर 10 on 10 नाम की कॉमेडी सीरीज करते हैं। अपने पिछले एपिसोड में उन्होंने कुछ जोक्स बनाए जो पब्लिक के गले नहीं उतरे। वीर को इस बारे में उनके एक फैन ने बताया, उनसे पता चला। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी गलती स्वीकारते हुए इसके लिए बिना शर्त माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, मैंने अपने 10 on 10 के नए एपिसोड पर कुछ जोक्स किए जिससे ट्रांस कम्युनिटी के मेरे दोस्तों को बुरा लगा। मैं समझ रहा हूँ कि क्या हुआ। उस वक्त मैं ये कहना चाहता था कि ट्रांस लोगों में इतनी हिम्मत है जितनी सरकार में कभी नहीं होगी, मगर वो गलत और अनइन्फॉर्म्ड तरीके से सेटअप हो गया। मैंने गलती की, इसका गलत प्रभाव पड़ा और इस चीज़ ने आपकी स्ट्रगल को कमतर बना दिया। मैं जो कहना चाहता था उसे प्रभावी ढंग से रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। मैंने गलत जोक किया, सीधी बात है। मार्च 2021 में फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन ने फीमेल सुपरस्टार नयनतारा की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद से चर्चा होने लगी कि नयनतारा और विघ्नेश शिवन की एंगेजमेंट हो गई है, मगर इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। नयनतारा ने हालिया इंटरव्यू में अपनी सगाई की बात कंफर्म कर दी है। उन्होंने विजय टीवी पर दिव्या दर्शनी को दिए इंटरव्यू में बताया कि विघ्नेश और उनकी सगाई बड़ी प्राइवेट सेरेमनी थी। उस इवेंट में सिर्फ फैमिली के करीबी लोग ही मौजूद थे। नयनतारा ने कहा कि वो इस बारे में अपनी शादी के बाद विस्तार से बात करेंगी। अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो ये चर्चा चल रही है कि एटली कुमार की शाहरुख खान स्टारर फिल्म में नयनतारा नायिका के तौर पर नजर आ सकती है। सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में लगे हुए हैं। अब तक इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के यशराज स्टूडियोज में हो रही थी, मगर 18 अगस्त को फिल्म की कास्ट एंड क्रू रशिया निकलने वाली है। वहां से कई अन्य यूरोपियन देशों में फिल्म की टीम शूट करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अगले 3 महीने तक देश से बाहर रहेंगे। अक्टूबर तक टाइगर 3 की शूटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद सलमान साजिद नाडियाडवाला की भाईजान पर लगेंगे, जिसे पहले कभी ईद कभी दिवाली के नाम से बुलाया जा रहा था, मगर इस दौरान वो आयुष शर्मा के साथ महेश मांजरेकर डायरेक्टेड फिल्म अंतिम में नजर आएंगे। रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया की नई फिल्म प्लान ए प्लान बी का फर्स्ट लुक आ गया है। ये एक क्वर्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है। ये एक ऐसे कपल की कहानी है जिसकी शुरुआत डिवोर्स से होती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है खूबसूरत फेम शशांक घोष ने। प्लान ए प्लान बी को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। इस लिहाज से ये रितेश देशमुख का डिजिटल डेब्यू प्रोजेक्ट है। इस फिल्म में रितेश और तमन्ना के साथ पूनम ढिल्लों और सोशल मीडिया स्टार कुशा कपेला भी नजर आने वाली है। प्लान ए प्लान बी कब रिलीज होगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिग बॉस ओटीटी का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, मगर वीकेंड एपिसोड पर काफी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बातें हो रही हैं। ऐसे ही एक घटना है करण जौहर की शो की कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी के साथ बातचीत। पहले तो करण ने शमिता की तारीफ की, फिर उन्होंने पूछा कि वो किसी मानसिक बैगेज के साथ तो नहीं रहती हैं, क्योंकि शो पर तो वो काफी सही दिख रही हैं। इस सवाल के जवाब में शमिता इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें शमिता के तौर पर नहीं शिल्पा शेट्टी की बहन के तौर पर जानते हैं। इस वजह से इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल उनके लिए काफी मुश्किल रहे हैं। वो बहुत लकी हैं कि वो शिल्पा के साए में ही रही, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि शमिता शेट्टी की असली पर्सनालिटी और पहचान क्या है। शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा के काम की हर तरफ तारीफें हो रही हैं। फिल्म को भी खूब सराहा गया है, मगर अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म से जुड़ा एक बड़ा राज खोल दिया है। शब्बीर बक्सवाला ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने विक्रम बत्रा की लाइफ पर फिल्म बनाने के राइट्स खरीदे। इसके फौरन बाद सलमान खान ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। वो चाहते थे कि फिल्म में विक्रम का रोल आयुष शर्मा करे। वो इसी फिल्म से आयुष को लॉन्च करना चाहते थे, साथ ही वो शब्बीर के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करना चाहते थे, मगर शब्बीर ने बताया कि विक्रम की फैमिली चाहती थी कि सिद्धार्थ ये रोल प्ले करें। ये बात शब्बीर ने सलमान को बताई तो सलमान मामला समझ गए। इसके बाद उन्होंने आयुष को लवयात्री नाम की फिल्म से लॉन्च किया था। जोया अख्तर डायरेक्टेड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के एक सीन में ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर के किरदार की लड़ाई होती है। दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि फरहान के किरदार ने ऋतिक के कैरेक्टर का फोन
चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया होता है। इस बात से नाराज अर्जुन इमरान से कहता है इट्स नॉट फनी। फाइनल ये सीन एक थप्पड़ के साथ खत्म होता है। नेटफ्लिक्स ने ऋतिक के निभाए अर्जुन सलूजा वाले किरदार का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लोगों से उसे कैप्शन देने को कहा। इसके बाद लोगों ने इस तस्वीर और सीन के ऊपर मीम्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि हर त्योहार का छुट्टियों के बाद आना इज नॉट फनी, तो कोई क्रश के रिप्लाई न देने को फनी करार दे रहा है। आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपके सामने ये मीम हर जगह दिखाई देंगे। इस बारे में हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, इट्स नॉट फनी। 15 अगस्त को इंडियन आइडल के 12वें सीजन का फाइनल हुआ। इस शो को जीता पवनदीप राजन ने और रनर अप रही अरुणिता कांजलाल और साथ ही सयाली कामले। शो खत्म होने के 2 दिन के भीतर सेकंड रनर अप सयाली ने फिल्म सिंगिंग में अपना डेब्यू कर लिया है। सयाली ने मराठी फिल्म कोल्हापुर डायरीज के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। इस गाने को कंपोज किया है अवधूत गुप्ते ने और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जो राजन। कोल्हापुर डायरीज मलयाली भाषा की फिल्म अंगमली डायरीज की ऑफिशियल रीमेक बताई जा रही है। आखिरी बार पिंक की रीमेक वकील साहब में नजर आने वाले तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म का टीजर आ गया है। इस फिल्म का नाम है भीमला नायक। इसमें पवन एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं। पवन के साथ इस फिल्म में राणा रघुपति भी नजर आने वाले हैं। अगर खबरों की माने तो ये मलयाली फिल्म अय्यप्पम कोशियम की ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और बिजू मेनन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। सागर चंद्रा डायरेक्टर ये फिल्म 12 जनवरी 2022 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। अय्यप्पम कोशियम को हिंदी में भी रीमेक किया जा रहा है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं। तो बस द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।